नमस्कार मध्यान ओडिशा सह मु गायत्री 2021 शिक्षा वर्ष पई प्रकाश पाइला उच्च शिक्षा क्षेत्र रे श्रेष्ठ शिक्षा अनुष्ठान रो मान्यता तालिका नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग अनुसार मिलितबा मान्यता तालिका रो प्रथम स्थान रहिछि आईआईटी मद्रास सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आधार रे देशर श्रेष्ठ शिक्षा अनुष्ठान रो मान्यता पई आईआईटी मद्रास एवं द्वितीय स्थान रहिछि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु तृतीय रे आईआईटी बॉम्बे एवं चतुर्थ रे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की एमओयू हुई नहीं हुई उसकी भी लोगों लग जाती है, एरिया की लोगों लग जाती है। अगले साल से अक्रेडिटेशन और फ्रेमवर्क रैंकिंग में दोनों में इनोवेशन, जैसे अभी इस बार 11 वर्टिकल्स में हमने अवार्ड किया, अगले साल से आप इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की भी एक वर्टिकल जुड़ा जाएगा, इसलिए एरिया उसमें से मर्ज होगा। आप अक्रेडिटेशन वाले इनोवेशन को कैसे आपकी पॉइंटर्स में शायद ले भी होंगे, आप ले भी रहे होंगे, आपकी एकेडमिक प्रोग्राम की लीड इनोवेशन तक कैसे जा रहा है, इंस्टीट्यूशन में इनोवेशन के लिए क्या इकोसिस्टम है। मैं जब घूमता हूं मैं देखता हूं सारे कॉलेज में एक का इंक्यूबेशन सेंटर दिख रहा है, अच्छी बात है, यही तो रास्ता है। इसलिए इसको एक बहुत मल्टी डुप्लीसिटी में ना रखते हुए एक ही फ्रेमवर्क के अंदर आने वाले दिनों में देश में टेक्नोलॉजी की यूज पे हम तीन स्टेक होल्डर है, ये सारे दुनिया में एक स्टूडेंट है, ये सारा दुनिया बनेगी फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए हमने अभी काशी में जो चर्चा हुई उसमें से जो मंथन हुई उसमें से जो कुछ अमूर्त बिंदु निकला है उसमें से एक प्रमुख बिंदु ये हम लोगों ने तय किया, जो भी सारा इस देश में शिक्षा के लिए होगा वो विद्यार्थियों के लिए ही होगा, स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट्स बाय टीचर्स, फॉर स्टूडेंट बाय टीचर्स। और उसमें तीसरा नेचुरल पॉइंट है ये इंस्टीट्यूशन के अंदर ही होगा, इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट टीचर, ये तीन पैरामीटर्स को तीन स्टेक होल्डर्स के ऊपर असेसमेंट एक्रेडिटेशन रैंकिंग पारदर्शी तरीका से हो। देश में आने वाले दिनों में दो ही ब्रॉड फ्रेमवर्क रहेगा, गुणवत्ता के लिए एक्रेडिटेशन रूट और दूसरा और एक मानक के लिए रैंकिंग। धीरे धीरे हमारी एनसीबीटी भी देश की आईटीआई की भी रैंकिंग कर रही है, AICT पॉलिटेक्निक्स और डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस की भी रैंकिंग कर रही है, NCERT CBSE ये सब मिलकर स्कूल की भी रैंकिंग हो रहा है। आने वाले दिनों में हमारी देश की नागरिकों को पता होनी चाहिए कि मेरे बच्चा जो आयु 3 में एज 3 में एक प्ले स्कूल में बाल वाटिका में जाएगा उस स्कूल की रैंकिंग क्या है, उस स्कूल की अक्रेडिटेशन कहां से मिली है। स्कूल सेक्रेटरी महोदया उस विषय में भी काम कर रही है, स्कूल्स की भी कैसे एक्रेडिटेशन और रैंकिंग थोड़ा बड़ा है, राज्यों को साथ में ज्यादा लेना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे देश को 21वीं सदी में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे हम लोगों की यही दायित्व बनती है। अभी हमने क्रिटिकल मास हमारी बन गया है, हमको 100% नौजवानों को एजुकेशन नॉलेज स्किलिंग इनोवेशन ये सारे दुनिया में फुल प्रूफ जोड़ना पड़ेगा, उसकी हायर लेवल पे और गुणवत्ता वाले व्यवस्था से जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए आज की NIRF की 7th एडिशन की कल्पना यही है, इसीलिए 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी दायित्व लेने के बाद देश में कॉलेज की रैंकिंग की व्यवस्था शुरू किए हैं। मैं आप सभी से आने वाले दिनों में आपकी रैंकिंग, दुनिया में हमारी सपना यही है, दुनिया में किसी भी कोने में भारत की इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस थ्रू एक्रेडिटेशन रूट एंड थ्रू रैंकिंग रूट देश की दुनिया की विद्यार्थी देखें, उस कॉलेज के साथ जुड़ें ऑटोमेटिक रूट में, देश के अंदर की विद्यार्थी, देश की बाहर की विद्यार्थी। इस बार CUET उसी दिशा में एक कदम है, CUET को सफल बनाने में आप सभी लोगों की महत्वपूर्ण योगदान हो ही रहा है। धीरे धीरे उसमें भी जो चुनौतियां ध्यान में आ रही है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेके भी कुछ मन में लोगों की प्रश्न आ रही है, मित्रों सारे चीजों को सामूहिक रूप में एक
ट्रांसपेरेंसी के फ्रेमवर्क के अंदर पीज खड़ा करना हम सभी की दायित्व है, और उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन, स्व घोषित पारदर्शिता लाना हम सभी की दायित्व है। आज उसी दिशा में एनआईआरएफ और आने वाले दिनों में एक्रेडिटेशन की फ्रेमवर्क, इसकी स्पष्टता बढ़े। और इसी बार मेरे को कहा गया, जैसे मैंने नैक के बारे में मेरे जानकारी लेते हुए कहा कि कुल मिलाकर नैक में 8,500 इंस्टीट्यूशंस 50,000 में आ रहे हैं, यानी हमारी आवश्यकता कितने संस्था तक जाना है। और मैंने सुना यूजीसी ने इस बार 12B की मान्यता और नैक को जोड़ा है। मैं अनुरोध करूंगा जगदीश जी को, आप उसको एनआईआरएफ को भी जोड़ दीजिए। 12B उसी संस्था को मिलेगा जिन्होंने एनआईआरएफ में आया है, जिन्होंने नैक में आया है। ऐसे ही एनआईआरएफ में कहा गया 7,500 तक, अग्रवाल जी 7,500 तक लोग आए, ऐसा नहीं होगा। हम एक माहौल बनाए एनआईआरएफ और नैक और एनबीए ओब्लिक एनबीए, ये असेसमेंट वाला विषय दोनों के ऊपर हो। सभी इंस्टीट्यूशंस को आना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। स्कूल डिपार्टमेंट भी उसी काम पे लगा है, सारे स्कूल्स की स्टार रेटिंग हो रही है, सारे आईआईटीआईज की भी एनसीबीटी की पहल से स्टार रेटिंग किया जा रहा है। हम आजादी के 75 साल के उपरांत एक जर्नलिस्ट नहीं हो पाएंगे, हमारी दायित्व बनती है देश की नागरिकों के सामने खुद को खुले तरीके में उपस्थापित करने के लिए। एनआईआरएफ उसी दिशा में एक बड़ी कदम है। आप सभी को अनेक अनेक शुभेच्छा और बधाई, और विशेष करके जिन्होंने इस बार मंच पे आए नहीं, अगले बार वही लोग मंच पे आएंगे और पुरस्कार लेंगे, उसी शुभेच्छा के साथ बहुत धन्यवाद। शिक्षा वर्ष पाई प्रकाश पाई उच्च शिक्षा क्षेत्र रे श्रेष्ठ शिक्षानुष्ठान मान्यता तालिका नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग अनुजाई मिलिथिबा मान्यता तालिकार प्रथम स्थान रही आईआईटी मद्रास, एवं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आधार रे देशर श्रेष्ठ उच्च शिक्षानुष्ठान मान्यता पाई आईआईटी मद्रास पाइथिबा जणा पडिछ।